बदले की आग में धधक रहे थे सूर्य कुमार यादव, अपने दुश्मनों के मुंह पर जड़ दिया जोरदार तमाचा, वर्ल्ड कप की हार का ले लिया बदला। सांसे रोक देने वाले मैच में सूर्या का जंगली अवतार देख कांप गए कंगारू, कसम खाकर जंग के मैदान में उतरे थे ईशान किशन। पहले ही मैच में जमकर चला सूर्या का बल्ला, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को कर दिया भिखमंगा, रिंकू ने फिर जीता 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल। आज से 5 दिन पहले वर्ल्ड कप फाइनल की जंग में हिंदुस्तान को कंगारुओं के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में मातम का माहौल छा गया था। रोहित और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी भी मैदान में रोते हुए नजर आए थे। वैसे वर्ल्ड कप फाइनल की जंग में टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने घटिया प्रदर्शन किया था, लेकिन हार का असली गुनहगार सिर्फ और सिर्फ सूर्य कुमार यादव को बताया जा रहा था। पूरे सोशल मीडिया पर लाखों लोग सूर्य कुमार यादव को खुल्लम खुल्ला गालियां देने लगे थे। पूरा क्रिकेट जगत सूर्या को हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे घटिया बल्लेबाज बताने लगा था। गौतम गंभीर जैसे पूर्व खिलाड़ी भी सूर्य कुमार यादव को टीम से बाहर करने की मांगे करने लगे थे। पिछले 4 दिनों से सूर्य कुमार यादव का जीना मुश्किल हो गया था, हर कोई सूर्या के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। भारत के कई शहरों में तो सूर्य कुमार यादव के खिलाफ नारेबाजी होने लगी थी। बीती रात ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मैच में सूर्या ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से अपने सभी दुश्मनों के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया है। बदले की आग में धधक रहे सूर्य कुमार यादव कंगारुओं के खिलाफ इतनी तेजी से चमके कि ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाज यादव शेर के सामने पानी मांगते हुए नजर आए। एक बार फिर से T20 क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव का जंगली अवतार देखने के बाद पूरा क्रिकेट जगत कांप गया था। 208 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज सूर्या के सामने रोते हुए नजर आए थे। वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलने के बाद ईशान किशन भी पहले T20 मैच में महाकाल की कसम खाकर जंग के मैदान में उतरे हुए थे। ईशान किशन ने चौकों से ज्यादा छक्कों की बारिश करी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिए गए 209 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर के जवाब में उपकप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बिना कोई गेंद खेले रन आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। यशस्वी जायसवाल भी तूफानी बल्लेबाजी करके सिर्फ 8 गेंदों पर 21 रन बनाकर पवेलियन जा चुके थे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव बदले की आग में धधक रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाजों की जमकर खबर ली। इस मैच में सूर्य कुमार यादव शुरू से ही तबाही मचाते हुए नजर आए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को यह बात मालूम थी कि अगर आज उनका बल्ला नहीं चलेगा तो उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इस मैच में सूर्य यादव ने अपने बल्ले से सभी आलोचकों को करारा जवाब दे दिया है। सूर्य कुमार यादव ने इस मैच में सिर्फ 42 गेंदों पर 80 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ ईशान किशन का भी तूफान देखने को मिलता है। ईशान किशन ने इस मैच में 5 लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। सिर्फ 39 गेंदों पर ईशान किशन ने 58 रनों की शानदार पारी खेलते हैं। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को आसानी से हरा देती है। हालांकि आखिरी के ओवर में सूर्य कुमार यादव आउट हो जाते, लेकिन उसके बाद रिंकू सिंह एक बार फिर से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीतने में कामयाब होते हैं। आखिरी ओवर में टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए 7 रन चाहिए होते हैं और रिंकू सिंह ओवर की पहली ही गेंद पर पीछे की ओर चौका लगा देते हैं। अब टीम इंडिया को आखिरी के 5 गेंदों पर मैच जीतने के लिए 3 रन चाहिए थे, लेकिन उसके बाद लगातार 3 विकेट गिर जाते हैं। लेकिन रिंकू सिंह हार नहीं मानते हैं और आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए 1 रन चाहिए होते हैं, लेकिन रिंकू सिंह 1 रन लेने के बावजूद सामने की ओर शानदार लंबा छक्का जड़ देते हैं और टीम इंडिया को ऐतिहासिक मैच जिता देते हैं। और इसी के साथ साथ टीम इंडिया ने T20 में अपना सबसे बड़ा स्कोर भी चेज कर लिया है। खैर दोस्तों, आप लोगों को सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें।